Hello friends, let's solve MCQ 26 of paper number 3 in this video. If the vertices of triangle ABC are A 9 5, so let's denote the vertices. A is 9 5, uska matlab kya hua friends, x ka 9 y ka 5, so ye ho gaya 9 5, right? Then we have 6 7 and 3 3, so 6 7 will be 6 7, so 6 7, and then 3 3, so 3 3, this point, and let's draw the triangle. So let's connect it. It seems right angle triangle, right? Ye right angle triangle dikh raha hai, yahan pe right angle ban raha hai, right? Sorry, A is here. A is 9 5, B is 6 7, and C is 3 3. Abhi हमारे पास क्या है, तो बी ई मीडियन की बात है, तो बी ई मीडियन बना देते हैं. मीडियन यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को और लेट से हाइपोटेन्यूस को सेम दो पार्ट में डिवाइड करेगी. उसका जो भी मेजरमेंट है उसके सेम दो पार्ट हो जाएंगे. तो अभी फ्रेंड्स ये आपको 6 दिख रहा है, राइट? तो हम जो बी ई बनाएंगे वो इसका आधा बनाएंगे, राइट? सो दिस इज माई बी ई, राइट? ये 90 पे मिले वो जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि वो सेम दो पार्ट में डिवाइड करे. तो मैंने अभी ही एक एमसीक्यू के क्वेश्चन में बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको बोला जाता है कि ये मीडियन है, लेट से दिस इज बी मीडियन है, तो ये एंड ये तीनों तीन सेम मेजर के होंगे, ठीक है? तो ये मैंने 3 3 के बना दिया, तो ये भी कंपल्सरी 3 होगा. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 3. इसमें हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी. सो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे. सो दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल सी 90 है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी. ए बी ऑल्टरनेट हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है? सी पे मैंने 90 ले लिया, सो दिस इज सी 90. अभी कॉस का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? तो कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? तो एडजेसेंट पे हम लिख देंगे 1, हाइपोटेन्यूस पे हम लिख देंगे 2, राइट? अभी हमें ढूंढना क्या है फ्रेंड्स? ये थेटा यहाँ पे है, तो ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूस, राइट? अभी फ्रेंड्स हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है कॉसेक ए, यानी कि यहाँ पे थेटा लेना है. यहाँ पे थेटा लेंगे तो अपोजिट ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा. सो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए ढूंढना है तो कॉसेक का जो फॉर्मूला है वो क्या है? कॉसेक साइन का उल्टा है. कॉसेक का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट. हाइपोटेन्यूस है 2, अपोजिट है 1. डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे तो चलेगा. सो इट्स आंसर इज 2, दैट्स ऑप्शन डी. अभी इसमें क्या करना है फ्रेंड्स? तो इसमें हमें दिया हुआ है ए साइन थेटा इज इक्वल्स टू 3 एंड ए कॉस थेटा इक्वल्स टू 4. तो अभी फ्रेंड्स साइन थेटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/a. कॉस थेटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/a. अभी हमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, जो है साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा इज इक्वल्स टू 1. अभी साइन स्क्वायर थेटा, तो इसमें साइन की वैल्यू रख देते हैं 3/a होल स्क्वायर प्लस 4/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये हो जाएगा फ्रेंड्स 9/a स्क्वायर प्लस 16/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अभी फ्रेंड्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है? सो ये हो जाएगा 9 + 16 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो 9 + 16 विल बी 25 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. 25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर चला गया. अभी फ्रेंड्स इसको रूट में लेना पड़ेगा ए की वैल्यू चाहिए तो, ठीक है? सो रूट 25, सो वी कैन से 5 इज इक्वल्स टू ए, और वी कैन से ए इज इक्वल्स टू 5. सो हमारा आंसर हो गया आंसर ए, ऑप्शन ए, राइट? अभी फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हमें बोला गया है sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20. अभी फ्रेंड्स आपको 90 वाली पैर पता होनी चाहिए. 90 वाली पैर में फिर से साइड पे लिख रहा हूँ,
राइट, 90 वाली पेयर यानी जिसमें अगर एंगल का टोटल 90 होता है तो वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक। नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स टेबल है, उसमें मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अभी इन शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ कि साइन 30 कॉस 60 वैल्यू सेम, यानी कि एंगल का टोटल 90 हुआ तो वैल्यू सेम। ऐसे इसमें भी होगा, टेन 30 कॉट 60 वैल्यू सेम, कोई भी के लिए टेन 45 कॉट 45 वैल्यू सेम, यानी एंगल का टोटल अगर 90 होता है तो वैल्यू सेम होती है। तो अभी सेक को हम कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे, कॉसेक राइट, कॉसेक इंटू ब्रैकेट 90 माइनस 4 है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ साइन 30 फिर कॉस वाली लाइन में किसकी वैल्यू साइन 30 जितनी होगी, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस 30 यानी कि ये दोनों का टोटल 90 करना है, तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा कॉस 60 राइट। सो इस तरह माइनस करने से हमें एंगल पता चलता है। तो इधर 4 है तो उसको 90 में से माइनस कर दिया तो सेक और कॉसेक दोनों सेम वैल्यू वाले हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियोस रिफर कर सकते हो। सो दिस इज कॉसेक ए माइनस 20, देन दिस विल बी 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 20 अपॉन कॉसेक, कॉसेक कॉसेक कैंसल। तो ये क्या रह गया हमारे पास, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। Now 90 plus 20 is equals to a plus 4a, ये minus 20 ये साइड आया तो plus, minus 4a वो साइड गया तो plus 4a, so 110 is equals to 5a, 110 upon 5 is equals to a, 22 is equals to a, so my answer is D 22। अभी फ्रेंड्स ये जो पेयर्स है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आई हैव अ टेबल, आप देख सकते हो साइन 30 कॉस 60 वैल्यू सेम है, 1/2 1/2, यानी कि ये ऐसी पेयर है जिसमें अगर एंगल का टोटल 90 होता है तो दे बोथ हैव सेम वैल्यू। सेम वे 10 में आ जाते हैं तो 10 0 cot 90 दे हैव सेम वैल्यू। सेम वे cosec sec में आ जाते हैं, लेट्स थिंक अबाउट sec 0 cosec 90, लेट्स थिंक अबाउट sec 30 cosec 60 they have same value, so this is what I explained on the previous page. If you want to know better, if you want to learn this chapter properly in systematic manner, you can go through all the videos, more than 60 videos uploaded on YouTube. You can search Trigonometry by Nihar Hirani on YouTube. So let's start the angle of elevation of the top of the pole. So let's draw the pole first, and somebody is watching on the top of the pole, and this point is x meter away. This point is x meter away. So let's write x over here. Let's name this triangle ABC. This angle of elevation is 60 given in the question, right? So हमें AB find करना है। अभी friends हम क्या करेंगे? तो ये हमें पता है। Maybe variable but पता है, ठीक है? ये हमें ढूँढना है, ठीक है? अगर यहाँ पे theta लेते हैं तो ये हो जाएगी एडजेसेंट, ये हो जाएगी अपोजिट, यानी कि आप ये कॉट या तो टेन से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि टेन का फॉर्मूला अपोजिट एडजेसेंट, कॉस्ट का कॉस का एडजेसेंट अपोजिट। सो लेट्स यूज टेन 60, इट्स अपोजिट दैट्स ए बी, एडजेसेंट दैट्स सी बी, और यू कैन कॉल इट बी सी। अभी टेन 60 की वैल्यू हम टेबल में से लिखेंगे, टेन 60 दैट्स रूट 3, सो रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी upon x, so root 3x is equals to ab, pole की height हमें मिल गई root 3x, x जितना भी होगा उसके root 3 time करना पड़ेगा जिससे हमें answer पता चल जाएगा। so here we completed MCQ from 26 to 30, I hope you find my videos useful, your feedback and suggestions are also welcome, if you find our video useful you can give us positive comment so that we can make more educational videos and we can get encouragement from your side for making good educational videos, thank you.